सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने देश के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेस पे, जो कि 16 लेन का होने वाला है। और जैसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस पे, ये अर्बन एक्सप्रेसवे पहला इसलिए होने वाला है कि ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट यानी कि सबसे चौड़ा अर्बन एक्सप्रेसवे है, जो कि 16 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। नितिन गडकरी साहब कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जून के महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास की प्रॉपर्टी का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया। मतलब ये सुनते ही कि एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है, मतलब इस वक्त पे सबसे फेवरेट जगह है इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे। और वैसे भी आपको बता दूं, NCR में जितनी भी प्रॉपर्टी बिकती है उसका 70% जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो यहीं पे सेल आउट होता है, द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास, जिसे कि न्यू गुरुग्राम भी कहते हैं। और इसी द्वारका एक्सप्रेसवे पे एलान बिल्डर ने एक अपना प्रोजेक्ट ऐलान कर दिया है, और वो प्रोजेक्ट होने वाला है द मार्क का, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास का सबसे बड़ा कॉमर्शियल रिटेल हब होने वाला है। एकड़ में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट, जो कि वाकई में बहुत प्रीमियम कमर्शियल रिटेल तो होने ही वाला है, लेकिन इसकी सबसे खास बात जो मुझे लगी ना भाई, वो बताता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, जो 12 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें जो रोड कनेक्ट करता है ना इसको, वो 4 रोड है। एक द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का सबसे चौड़ा अर्बन एक्सप्रेसवे है। दूसरा एक और 65 मीटर का इसका रोड है, सेक्टर रोड, ये देख लो ये वाला। उसके बाद दो और रोड है, एक 18 मीटर का और 25 मीटर का। तो चारों तरफ से इस पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेगा इस कॉमर्शियल हब में। और अगर इसके फीचर्स की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितनी सारी फैसिलिटी आपको हमें ऑफर करने वाले हैं। और सच बताऊं तो ये जो बिल्डर है एलान बिल्डर, इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक बनाए हैं गुरुग्राम में, एक तो वो सबसे प्रीमियम है भाई, और सबसे पहले सोल्ड आउट भी हुए थे वो। जी वैसे इनका एक और प्रोजेक्ट देखोगे ना तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपको दिख जाता है, ये जो ट्रम्पेट इंटरचेंज है ना, इसके ठीक सामने दिखोगे तो ये ऐलान का मिरेकल दिख जाएगा आपको। और इस मिरेकल ने भी मिरेकल ही किया था, क्योंकि जिस दिन इन्होंने लॉन्च किया था उसके लॉन्च के कुछ 10 या 15 दिनों में ऑलमोस्ट ये सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि लोकेशन इनकी जितनी भी है ना, ये सभी लोकेशन इनके प्रीमियम ही है। और इस बार भी ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ना, वो भी प्रीमियम है, क्योंकि ऐसा कोई आपको ऑफर कर नहीं रहा है इस फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए 4 कनेक्टिंग रोड हो, ऐसा आपको फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो नहीं देखने को मिलेगा। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का अब तक का सबसे प्रीमियम कॉमर्शियल रिटेल हब होने वाला है ये, क्योंकि आप सोचो ना, कभी भी अगर आप मॉल में या शॉपिंग करने जाते हो, आपको कभी स्लो डाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे की मदद से आप जल्दी से यहाँ तक आ भी जाओगे और जल्दी से यहाँ से आगे जा भी सकते हो, और एंट्री एग्जिट पॉइंट इतने आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप आसानी से यहाँ पर एग्जिट एंट्री कर सकते हो इस मॉल के अंदर। मतलब बहुत सारे क्राउड को ये कैटर कर सकता है, और जहाँ पर क्राउड होगा वहाँ पर दुकानें तो अच्छा खासा चलेंगी। तो इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना भाई, तो ये बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। नंबर आपके स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करो, जानकारी लो, और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार विजिट भी कर लो, ताकि आपको पता चले ना कि भाई जो मैंने बोला है वही एग्जैक्टली आपको ग्राउंड पे मिल रहा है या नहीं, है ना। वैसे ये जो ड्रोन फुटेज देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन साइट का ही है, लेकिन आपका ग्राउंड पे आके साइट पे आके देखना बनता है। तो इसलिए इस दिए नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा, और हाँ, आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, अपनी डिटेल को वहाँ पर फिल कीजिए और टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एलान बिल्डर द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेसवे का, जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका इंटरचेंज, जो कि NCR का सबसे बड़ा इंटरचेंज होने वाला है, जिसे कि बनाया है NHI ने, और जिसे कि बनाया है खिड़की दौला गुरुग्राम में। इसी जगह से गुरुग्राम में ये स्टार्ट हो रहा है और ये जाकर कनेक्ट करेगा दिल्ली के महिपालपुर को। 29 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि एक इस एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से पूरी एक नई सिटी यहाँ पर खड़ी हो गई है। 9000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इस 9000 करोड़ के प्रोजेक्ट के बनने के बाद
सच बता रहा हूँ, इस जगह की पूरी कायाकल्प हो जाएगी। दो तीन महीने पहले जब आप देखा करते तो इस इंटरचेंज पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये इंटरचेंज बनकर तैयार हो चुका है। और इस पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो ढेर सारे लेन्स देखने को मिलेंगे और व्हीकल का मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छे खासे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस वक्त पे। फिलहाल इंटरचेंज अभी बंद किया गया है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, क्योंकि अभी भी इस पे कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा रह रहा है, और वो काम रह रहा है यहाँ पर जो बोर्ड लगाने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन बोर्ड इंस्टॉल करने का काम चल रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक मूवमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि टीम को ना कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर गाड़ियों का मूवमेंट इस पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्हीकलों का मूवमेंट इस पर होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पर फिलहाल इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है, तो अभी इंटरचेंज को आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसी के इंटरचेंज के पास में अगर आप देखोगे तो इसके नीचे से गुजरता हुआ एक और एक्सप्रेसवे आपको दिखेगा, जिसे कि कहते हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे से ये लोड बहुत हद तक कम कर देगा। अभी ये जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, इस पे इसकी कैपेसिटी से तकरीबन 60 गुना ज़्यादा व्हीकल का लोड है, तो बहुत हद तक इस एक्सप्रेसवे से लोड भी कम हो जाएगा। और अभी फिलहाल एक यही रास्ता है जिसकी मदद से आप एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से इस पे लोड बहुत ज़्यादा है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करने वाले हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे को। कंस्ट्रक्शन की बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आप जाएंगे तो ये वाटिका चौक जा सकते हैं, और वाटिका चौक से फिर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं वाया सोना रोड को होते हुए। और इस तरफ जाएंगे तो इसी तरफ ये आगे एक्सप्रेसवे को जा रहा है, और इस तरफ भी जब हम और आप बढ़ेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो हाईवे का पार्ट मिलेगा, और जिस हाईवे के पार्ट पर कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो चुका है, और इस जगह पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो 16 लेन, जो कि देखकर वाकई सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि जो कल्पना हमने और आपने की थी आज फाइनली साकार हो चुका है, यहां पर 16 लेन बन चुका है। चलिए इस जगह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ट्रम्पेट इंटरचेंज, और यहां पर आपको दिखेगा एक आयरन ब्रिज, जो कि इंडिया का सबसे लंबा सिंगल स्पैन आयरन ब्रिज है, जो कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगाया गया है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। और यहाँ पर भी सामने इनका ये एलान मिरेकल दिख जाएगा, पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है। और सामने यहाँ पर देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो चुका है इस जगह पर। फिलहाल इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपको मैं बताऊँ तो कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो वो मिलेगा भाई यहाँ पर जो लाइटें हैं ना, स्ट्रीट लाइट, उनको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ये बंद है अभी भी फिलहाल, लेकिन हम और आप यूज़ कर सकते हैं। और सामने अगर देखोगे तो ये देखो, ये है स्टील ब्रिज जो कि यहाँ पर बनाया गया है, और ये स्टील ब्रिज इसलिए डाला गया है ताकि इसके नीचे से जो एलिवेटेड पार्ट है ना वो गुजर सके, जिसके ऊपर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और ये देखो कितना बड़ा ये लगता है। और इस स्टील ब्रिज से जब आप आगे की तरफ भी बढ़ोगे तो भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है एलिवेटेड पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है। आपको व्हीकल ज़रूर दिख जाएंगे एलिवेटेड पार्ट पे, जो कि जैसा कि मैंने आपसे कहा जो स्ट्रीट लाइट है ना उसको इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा एक जगह पर, और वो है रेलवे लाइन के ऊपर। तो चलो उस जगह पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि उस रेलवे लाइन के ऊपर कितना कुछ काम किया जा रहा है। चलो चलते हैं। सच बताऊं तो पहली बार द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड पार्ट यानी कि मेन कैरेज वे पे मैं ड्राइव कर रहा हूं, और ये किसी सपने को साकार होने जैसा ही तो है। हमने और आपने इस परियोजना के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, तो धन्यवाद है माननीय नितिन गडकरी साहब का, और धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी वजह से ना ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। सच बता रहा हूँ, अगर कोई और होता ना तो ये एक्सप्रेसवे तो कम्प्लीट नहीं हो पाता भाई, क्योंकि सोचो 29 किलोमीटर में 500 से भी ज़्यादा हर्डल्स थे, मतलब रुकावटें,
कई कई बार तो ऐसी रुकावटें आई हैं जो आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। कई बार तो लोग कोर्ट तक पहुंच गए थे इस एक्सप्रेसवे का काम रुकवाने के लिए, ये बोलकर कि एक्सप्रेसवे का जब काम किया जाता है तो बहुत ज़्यादा नॉइस होता है जिससे ना उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए लोग कोर्ट तक पहुँच गए थे। माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद कि उन्होंने रोक लगाया नहीं इसके कंस्ट्रक्शन पर, क्योंकि उनको भी पता था कि वाकई में ये अपने देश के लिए गेम चेंजर होने वाला है, जिसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। मतलब इस जगह का ना पूरा नक्शा ही बदल गया है इस एक एक्सप्रेसवे की वजह से। इतने सारे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हर चीज़ यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे की वजह से नया आपको देखने को मिलेगा। 29 किलोमीटर नंबर बहुत छोटा है, लेकिन जितना इस पर टाइम लगा है ना या जितना इस पर एफर्ट लगाया है, उतने में तो 250 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे बना देते, सच बता रहा हूँ, और कहीं उससे ज़्यादा भी, क्योंकि बहुत रुकावटें आई हैं। लेकिन चलो, सबका धन्यवाद, जिन्होंने इस पर काम किया उनका भी और जिन्होंने काम को करवाया है उनका भी, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से तो ये पॉसिबल हो पाया है कि ये एक्सप्रेसवे पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और आज पहली बार ये भी पॉसिबल हो पाया है कि हम और आप इस पर ड्राइव कर रहे हैं। वैसे इस पर स्पीड लिमिट 120 का हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल कर नहीं रहा है इस पर हाई स्पीड में ड्राइव करने का। मेरा दिल कर रहा है कि बस ऐसे ही 30-40 की स्पीड में इस पर ड्राइव करता रहूं और बस फील करूं इस एक्सप्रेसवे को जो कि बनाया है, इसके हर एक चीज़ को जो कि यहाँ पर लगाया है, क्योंकि दिल खुश कर दिया आपने नितिन गडकरी साहब। सच में पहली बार एलिवेटेड हिस्से पर ड्राइव किया है, मज़ा आ गया भाई। अब मुझे पता है आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा तो और मज़ा आने वाला है और आप सभी को आएगा, लेकिन अच्छा तब लगता है जब आप पहले यूज़ कर लो, है ना। पहली बार यूज़ किया तो एक्साइटमेंट समझ सकते हो। पूरा मैंने स्टार्ट किया था सेक्टर 36A से और वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ड्राइव किया है। चलिए, जैसे ही एलिवेटेड पार्ट से नीचे आते हैं तो फिर आपको हाईवे का ये पार्ट दिखेगा भाई, जो कि बनकर तैयार हो चुका है और पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस हाईवे के पार्ट को तो मैंने आपको पिछले 2-3 महीने से दिखा रहा हूँ कि ये बनकर तैयार ही हो चुका है और इस पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है नहीं। काम अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा इस जगह पर। यहाँ पर एक रेल ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी कि फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। वैसे ज़्यादा काम है नहीं करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फ्लाईओवर का रैंप का हिस्सा है ना, वो पूरी तरीके से बना लिया जा चुका है, कंस्ट्रक्ट कर लिया जा चुका है, लेन भी बना दिया जा चुका है, लेन मार्किंग का भी काम कर दिया जा चुका है, इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया जा चुका है। और इनफैक्ट रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज बनाने का काम है उस पर भी अगर आप देखोगे तो पिछले अपडेट के मुकाबले, यानी कि पिछले महीने जो अपडेट दिया था उसके मुकाबले आज अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारा इस पर काम कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो चुका है। और यकीन मानो तो 10-15 दिनों में ही इसके ऊपर जो अब रिमेनिंग काम करना है, जैसे कि फ्लोरिंग बनाने का और लेन बनाने का, वो कर लिया जाएगा। यानी कि अगले अपडेट में इसके ऊपर हम और आप ड्राइव भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है नहीं करने के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम कर दिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर ऊपर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लेन बना दिया जाएगा। और इस तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, तब आपको दिखेगा कि रैंप वाले हिस्से को भी तैयार कर लिया जा चुका है, लेकिन उसके ऊपर अभी लेन बनाने का काम नहीं किया गया, फ्लोरिंग वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस फ्लाईओवर के ऊपर भी ज़्यादा काम आपको नहीं मिलेगा देखने को। और जब इस फ्लाईओवर से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाईवे का पार्ट। जैसे फ्लाईओवर से नीचे की तरफ आते हो तो हाईवे के पार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये होने वाला है दोस्तों फुटओवर ब्रिज। क्योंकि देखो, अगर आपको रोड को क्रॉस करना है तो इतना सारा लेन है, चलती गाड़ियों के बीच से तो क्रॉस नहीं करोगे, तो इस वजह से यहाँ पर फुटओवर ब्रिज दिया गया है। और इस फुटओवर ब्रिज का भी काम कंप्लीट हो चुका है, बनकर ये तैयार हो चुका है। और इस फुटओवर ब्रिज को जैसे आप क्रॉस कर जाओगे तो यहाँ से एक्चुअली पैकेज 3 स्टार्ट हो जाता है। और इस पैकेज 3 में अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे तो यहाँ पर भी पिछले अपडेट के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारा आपको दिखेगा जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया जा चुका है। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पर भी देखेंगे तो रैंप का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, एलिवेटेड पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, सर्विस रोड भी बनकर तैयार हो चुका है। सर्विस रोड का एलिवेटेड पार्ट यानी कि सर्विस रोड के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाया है, ताकि अगर आपको सर्विस रोड से आगे जल्दी जाना है तो आप जा सको, तो वहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको काम देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये जो चौराहा देख रहे हो ना,
इस चौराहे के नीचे वाले जो रोड है उस पे कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा, और फिर इस चौराहे से आगे ये जो रैंप का हिस्सा देख रहे हो सर्विस रोड का, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। सर्विस रोड बेसिकली चार लेन का होने वाला है, और उस सर्विस लेन में से जहां पर चौराहा आ रहा है ना, तो उस जगह पर सर्विस लेन पे भी फ्लाईओवर दे रहे हैं, जिससे कि वो दो लेन का पूरा फ्लाईओवर आपको मिल जाएगा। वो इसलिए दे रहे हैं कि देखो, अगर आपको सर्विस रोड पे हो, एलिवेटेड पार्ट तो एक्सेस कंट्रोल है, और आप स्लो डाउन में ना फंसो, इसी वजह से सर्विस रोड को भी एलिवेटेड कर दिया है, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है तो आप काहे का नीचे फंसोगे, है ना। इसलिए सर्विस रोड के एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर पे लो, क्रॉस करके आगे निकल जाओ, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जो मेन कैरेज वे है, मतलब इसका जो एलिवेटेड पार्ट है, ये तो एक्सेस कंट्रोल है, ये तो एक्सेस पॉइंट दिए जाएंगे, वहीं से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सर्विस रोड पे तो आप कनेक्ट कर सकते हो ना भाई, है ना। तो इसी वजह से अगर आप सर्विस रोड पे हो और आपका टाइम ज्यादा ना लगे, इसी वजह से एलिवेटेड पार्ट दिया सर्विस रोड के ऊपर। चलो, अब इस चौराहे से आपको आगे लिए चलता हूँ, और वैसे भी देखोगे तो कंस्ट्रक्शन काम आपको दिखेगा कि एलिवेटेड पार्ट इसका जो मेन कैरेज है ना, उस पर अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन चलो इसे और आगे लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि और कितना कुछ काम बच रहा है। वैसे आज ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेट दिखाने का इस दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का, और वैसे आज का जो अपडेट है वो 19 किलोमीटर का देने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है गुरुग्राम में और 10 किलोमीटर का हिस्सा आता है दिल्ली में, और गुरुग्राम वाला हिस्सा स्टार्ट होने वाला है जी अगले महीने तक। तो चलो चलते हैं और आगे। सबसे ज्यादा अगर इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपको दिखेगा जो कि किया जाना है, तो वो दिखेगा सेक्टर 102 पे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेन कैरेज वे जो है, जो एक्सप्रेस लेन होने वाला है एलिवेटेड, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, तो वो किया जाना है दोस्तों सर्विस रोड के ऊपर, और सर्विस रोड के ऊपर ही आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक अंडरपास का भी निर्माण किया जा रहा है, जिस अंडरपास की मदद से आप हीरो होंडा चौक को जा सकते हो, राइट, यहाँ से लोगे तो हीरो होंडा चौक जा सकते हो। इस अंडरपास पे भी अभी अच्छा खासा काम रह रहा है जो कि किया जाना है, और इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम, सच बताऊँ तो बहुत सारा रह रहा है, क्योंकि सर्विस रोड पे भी अभी काम किया जाना है, अंडरपास पे भी अभी काम किया जाना है। सर्विस रोड का अगर रैम्प का हिस्सा देखेंगे तो वो अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अर्थवर्क का वहाँ पर काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो सर्विस रोड का फ्लाईओवर का हिस्सा, इसको आपस में अभी कनेक्ट करने का भी काम किया जाएगा रैम्प वाले हिस्से से। आगे जब बढ़ेंगे इस जगह से, सेक्टर 102 से आगे 104 की तरफ, फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक्सप्रेस लेन तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ पर जो हाईवे का पार्ट होने वाला है सर्विस लेन का, वो भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और आगे अगर आप बढ़ेंगे सेक्टर 109 की तरफ, तो भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर लिया जा चुका है, और ये जो जगह देख रहे हैं ये है सेक्टर 109, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंप्लीट कर लिया जा चुका है। इसके मेन कैरेज वे पे लेन बनाने का भी काम कर दिया जा चुका है, लेन मार्किंग का भी काम कर दिया जा चुका है, और इसी जगह पर ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर है एलान का प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कर दो भाई इन्वेस्टमेंट इस नंबर पे कॉल करके। और सेक्टर 109 से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेक्टर 110 की तरफ, सेक्टर 112, 13, 14 की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है मेन कैरेज वे का, और वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और सेक्टर 114 के बाद तो दिल्ली का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, जिसपे जय कुमार काम कर रही है, जी हाँ, और उसका हिस्सा जो कि स्टार्ट होना है अगले साल, लेकिन इस साल तक तो आपको ये जो पूरा
19 किलोमीटर का हिस्सा मैंने आज आपको दिखाया है, ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिस पे लगभग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो सिविल वर्क का काम इस पे 90% हो चुका है, जो कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा है गुरुग्राम का। और इस पे जो 10% रह रहा है वो काम है, जैसा कि सेक्टर 102 में सिविल वर्क का है, या फिर जो लाइटें लगानी है, लेन मार्किंग का काम किया जाना है, ब्रांडिंग लगाई जानी है, उसी का काम किया जाना है। अदरवाइज़ इस पे अब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है नहीं। तो इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो ही गया होगा कि वाकई में आने वाले कुछ महीनों में ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट कर दिया जाएगा, और ख़ासकर इसका गुरुग्राम का हिस्सा जो कि 19 किलोमीटर का है। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि सच में ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। और मैं तो चलता हूँ किसी और प्रोजेक्ट पर, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बताऊं, यहाँ पर ये नज़ारा देखो, हाईवे का देख रहे हो, इस पर मार्किंग भी की गई है। अभी वैसे तो इसको साफ़ किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। जब कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे रोड को जो देख रहे हो ना, इसको क्लीन करेंगे जी, और उसके बाद यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होगा। और जब ये पूरा 100% भी बनकर तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद भी मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगा, इस द्वारका एक्सप्रेसवे का। क्योंकि अपने आप में सबसे अलग एक्सप्रेसवे होने वाला है, इसलिए बनने के बाद भी एक दो अपडेट इसका आपको देखने को मिलेगा। और वो अपडेट बेसिकली अपडेट तो नहीं होगा कंस्ट्रक्शन का, वो आपको दिखाऊंगा कि कैसा कुछ यहाँ पर दिखता है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद। और उस वक्त पे तो क्लीन भी हो जाएगा ये, तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे जैसे देख रहे हो ये लो मार्किंग की गई है, तब तो क्लीन होने के बाद और अच्छा दिखेगा, तब दिखाऊंगा आपको। चलो आज के लिए तो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और परियोजना पर।